यहाँ पर हम जो सेंटर फॉर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है CPCT, यहाँ पर हम लोग संरक्षित खेती के नए नए आयामों पर हम काम कर रहे हैं। तो पहला तो आपका ये जो सॉइललेस कल्टीवेशन का है, ग्रो बैक के कॉन्सेप्ट है, आप देखेंगे हमने इसको इतना बढ़िया तरीके से ऑटोमेशन इसमें किया है कि एक ग्रो बैग में अगर 200 ग्राम पानी का लॉस ट्रांसपिरेशन के थ्रू हो जाता है तो इमीडिएटली सेंसर को पता लग जाता है और सेंसर वो इरिगेशन इमीडिएटली कर देता है। और अगर इरिगेशन मेच्योरिटी पर पहुंच गया है तो इमीडिएटली सेंसर बता देता है कि अब पानी की ज़रूरत नहीं है, इरिगेशन मत करिए। तो कितना पानी का फ़ायदा हो रहा है। बाहर में यही कैप्सिकम अगर आप ग्रो करते और जो यहाँ हम ग्रो कर रहे हैं उसमें 80% पानी की बचत हो रही है। यही नहीं, अगर आप ड्रिप के सहारे ही ये कैप्सिकम की खेती बाहर करते तो उसके कंपैरिजन में भी हमें 40% पानी की बचत हो रही है। तो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में जो मुख्य तकनीक है उसमें सबसे पहली तकनीक है ग्रोबैक तकनीक, दूसरी तकनीक है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्नोलॉजी जिसको हम NFT कहते हैं, और इस तरह की तकनीक में जो जल प्रवाह है उसे हम पाइप के अंदर में उसके अंदर में पौध को उगाते हैं, खास कर करके हरी पत्तेदार सब्जियां को उगाते हैं, इसे हम हाइड्रोपोनिक्स तकनीक कहते हैं। और इसी हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को जब हम बहुत सारे लेयर्स में ग्रो करते हैं, 3 लेयर 4 लेयर में, तो इसे हम जो आजकल वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं। और इसकी जो नई तकनीक है जिसमें कि हम LED लाइट के द्वारा इसे मदद पहुंचाते हैं, और LED लाइट के तहत लगा कर करके हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के द्वारा हम कहीं पर भी अपने घर के अंदर, अपने बालकोनी के अंदर, ग्रीन हाउस के अंदर, और वहां पर भी इस तरह की जो आधुनिक फसल है संरक्षित कृषि में ग्रो होने वाली, जैसे हरी पत्तेदार सब्जी, टमाटर, शिमला मिर्च इत्यादि को हम सालों भर उत्पादन कर सकते हैं। ग्रोबैग तकनीक में हम एक मीटर की एक ग्रोबैग इस्तेमाल करते हैं जिसमें 1 मीटर के अंदर में हम 3 पौधे को 30-30 सेंटीमीटर के अंतराल में लगाते हैं। इस ग्रो बैग के अंदर में मुख्यतः हम स्टरलाइज करके अच्छे से इसमें कोकोपिट, वर्मिकोलाइट और परलाइट की मात्रा भर देते हैं, और इसके अंदर स्टेक ड्रिप सिंचाई पद्धति के द्वारा हम पौधे में खाद और पानी की जो नियंत्रित मात्रा है उसे प्रवाह करते हैं। ये बात की ध्यान रखना है कि इस ग्रो बैग को बिछा करके जब हम इसमें, खास करके जो यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है, हम शिमला मिर्च लिए हैं, कलर्ड शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च। किसान भाई को देखना पड़ेगा कि जितने भी उर्वरक हैं, खास करके पोषक तत्व हैं, चाहे वो मेजर न्यूट्रिएंट हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इन सभी की नियंत्रित मात्रा समय समय पर पौधों को मिलना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक की जो दूसरी तकनीक है जिसमें कि जैसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्नोलॉजी, जिसमें कि हम PVC पाइप के अंदर में हम जल और न्यूट्रिएंट प्रवाह करते हैं, और इसके अंदर ग्रो करने के लिए हमने बहुत सारा मॉडल बनाया है। एक मॉडल है जिसमें 50 हम लगभग हरी पत्तेदार सब्जियां लगा सकते हैं। दूसरा, जब इसी मॉडल को हम 3 लेयर में बनाए हैं, इसका वर्टिकल मॉडल हम लोगों ने बनाया है हाइड्रोपोनिक्स खेती का, इसमें लगभग 100 सब्जी हम एक साथ उगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसी का जो सबसे जो आधुनिक मॉडल है कि हमने वर्टिकल फार्मिंग का एक मॉडल बनाया है जिस मॉडल में हमने 3 लेयर में ऑटोमेशन कर करके, और इसके बाद इसमें हमने इसको LED लाइट द्वारा सपोर्ट दे दिया है, जिसे हम ग्रोअर या कोई भी किसान भाई इसे अपने घर में, अपने बालकोनी में लगा कर करके भी हरी पत्तेदार सब्जियां अपने घर में ले सकते हैं। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में जो संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र है, उसमें किसान भाई और कोई भी ग्रोअर इस तरह का जो मॉडल है वो आके यहाँ देख सकते हैं।